नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के किचन टिप्स के साथ मैं हूं आशा अहमद। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर में बची हुई ब्रेड को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। हम अपने घर में बची हुई ब्रेड को हमेशा किसी ऐसी जगह पर रखेंगे जो खुश्क और हवादार हो, ताकि ये ब्रेड खुश्क हो जाए तो हम इसके ब्रेड क्रम्स बना लें। या फिर आप सैंडविचेस तैयार करते हैं तो इसके कॉर्नर्स रिमूव करके जाया कर देते हैं। तो अब आप इसके कॉर्नर्स रिमूव करने के बाद जाया ना करें, इसे ठंडी और खुश जगह पर रखें। और इसके बाद आपने इन तमाम रिमूव ब्रेड के एंड्स हैं और प्लस खुश्क ब्रेड, इसको लेकर ड्राई मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से पीस लें। इसके बाद आपने इसको छलनी से छान लेना है। बकाया बचे हुए ब्रेड क्रम्स को भी दोबारा ड्राई मिक्सर जार में डालकर इसको दोबारा से पीस लें। इसके बाद लो हाई हीट पर चूल्हे को ऑन कर दें। फ्राई पैन या कोई भी बर्तन इस पर रखकर ब्रेड क्रम्स को आपने बर्तन में डाल देना है। वुडन स्पून से इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। अब इसको चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लें और एयर टाइट जार में पैक करके फ्रिज में रख के बआसानी इस्तेमाल करें। जब भी आपको कोई चीज बनानी हो, जैसे नगेट्स, कटलेट्स या भी कोई भी ब्रेड रोल वगैरह, तो आप इसको निकाल कर बआसानी इस्तेमाल करें। तो ये तो थी हमारी आज की टिप। अगली टिप के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।